मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने मंदिर के नाम पर धंधा करने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर यादव ने केंद्र सरकार को राम मंदिर पर राजनीति करने की बजाय रोजगार महंगाई को दूर करने के अपने वादे को पूरा करने की चुनौती दी है। इसके साथ ही राजद विधायक फतेह बहादुर के बयान का समर्थन किया है। अर्थ लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पढ़ा और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं, कोई संकोच में मत रहिए। और जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से, कि आप जरा ये बताइए कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जब मर्जाता पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के अनूठा उदाहरण हैं, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया? है किसी के पास जवाब? किसी संप्रदायवादी नफरतवादी को अगर इसका जवाब है तो मैं मांग जवाब देना चाहता हूं, किसी डैश पर मुझे बुला लीजिए। भाई अब बताइए ये कैसे चलेगा? ब्राह्मणम दस वर्षम तू सत वर्षम तू भूमिपम, पिता पुत्रो विजानियात ब्रह्मास्तु तथो पिता। अरे भाई तयो पिता मतलब 100 वर्ष का ब्राह्मण 10 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा, ये मनु संहिता में लिखा हुआ है। इस तरह की कई चीजें हैं जो घोर आपत्तिजनक है। मैं इस बात से बहुत बेहद खुश हूं और आत्म गौरव से भरा हूं कि अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा किसी जाति के दास होते तो मनुवाद द्वारा बनाए गए अत्यंत ही शूद्र अस्पृश्य, जिसको ठेठ भाषा में छूत कहते हैं, कुल में पैदा होने वाले इस दुनिया के सदी के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। प्रथम महिला शिक्षिका होने का अधिकार अगर किसी को दिया प्रभु ने, तो वो भी शूद्र समाज में पैदा होने वाली माता सावित्री बाई फूले को दिया। किसी मनुवादियों की क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है किसी के पास? प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, उनके धंधे पर चोट कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से बेच रहे हो तुम भगवान जी को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी व्याप्त हैं, तो मंदिरों को तिजारत का स्थल क्यों बनाते हो? धंधा का स्थल क्यों बनाते हो? आज तो शंकराचार्य का आ रहा है बयान, क्यों नहीं क्यों लगा रहा है? एक से एक महात्मा का बयान आ रहा है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं देश के चौकीदार। मगर पता नहीं जो गोदी मीडिया है, एक अर्थ में मैं उसको मनु मीडिया कहता हूं, उसको ये सब नहीं सूझेगा। तो मेरा हमला है नफरतवाद संप्रदायवाद परोसने वाले, लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही थोपने वाले, ऐसी विचार से जो छद्म रूप से छद्म हिंदूवाद छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश पर कब्जा किए हुए हैं। वरना बताइए तो सही, मंदिर मस्जिद विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मुझे कोई
कोई बात नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार था, सब उसको मानते हैं, हर धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन इस नाम पर क्या मंदिरों के और मस्जिदों के ईटा गाड़ किसी के शरीर पर गिरता है क्या? क्या पैदा कर रहे हो? रोजगार कहां है? दो दो करोड़ लोगों को रोजगार देना, अभी तक में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए थी। किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करनी थी, लागत दुगुनी हो गई मगर आमदनी दुगुनी कहां गई? अब ये बताइए कि बेरोजगारों के हित में कौन सा कदम उठाया सरकार ने? महंगाई कैसी है कहने लायक है? गैस चूल्हा की कीमत सत्ता प्राप्ति के समय में 400 के आसपास था एक सिलेंडर की कीमत, अभी क्या है भाई? घटाए हो 200 रुपया तो भी 1000 के ऊपर है, और पता नहीं चुनाव के बाद कहां तक जाएगा। तो पूरी तरह से फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं कही। फतेह बहादुर सिंह जी ने माता सावित्री बाई फूले के उक्ति को कोट किया, और उन्होंने कोट किया, आपको पता है कि मंदिर के रास्ते मानसिक गुलामी की ओर जाते हैं और स्कूल विद्यालय के रास्ते जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। अपनी बात उन्होंने नहीं कही, तो भाई इसके विरुद्ध में फतवा आने लगा। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।